उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। प्रदेशवासियों तक इस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। हर 15 दिन में समीक्षा बैठक भी की जाएगी। बृहस्पतिवार को NHB मेडिकल विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में पहुंचे CM रावत ने कहा, ये साल कोरोना की वजह से सभी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इस साल के अंत तक या नए साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन के आने के संकेत दिए। राज्य में एक साथ 1 करोड़ वैक्सीन तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन वैक्सीन को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। अभी तक के हिसाब से फ्रंट लाइन पर कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स को ये वैक्सीन देने की योजना है। समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य को रोड मैप तैयार करने के लिए निर्देश दिए। किस तरह से वैक्सीन दी जाएगी, इसके लिए हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुरे हाल अपनी आंखों से देखे हैं। उनकी नजरों के सामने तमाम ऐसे वाकया हुए हैं जब इलाज न मिलने की वजह से लोगों की जान चली गई। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।